बहुत ही अच्छा कोर्स है और यहाँ पे पढ़ के भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हम बाहर जाना चाह रहे थे तो पता चला यहाँ पे DPM है, बहुत अच्छा पढ़ाया हो रहा है यहाँ पे। बहुत खुशी होती है कि बिहार में ये सब, खास करके बेगूसराय में कोई मौका मिला है। घर में बैठो तो मन करता, घर से बाहर निकला जब तो घर की याद सताती है। बेगूसराय अपने आप में एक अनूठा शहर, एक ऐतिहासिक शहर, जहां पर बिरले पैदा होते हैं। और घूमने के क्रम में अभी जब हम लोग बढ़ रहे थे कचहरी रोड में, ट्रैफिक चौक से जब कचहरी रोड की तरफ बढ़िएगा तो V2 के बाद और V-Mart से पहले एक जगह मुझे दिखा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट। और उससे भी पहले जो खास चीज के लिए मैं यहाँ पर रुका वो थी DPMI, दिल्ली पैरामेडिकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि अपने आप में, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ होंगी, तो DPMI एक ऐसी संस्था है जो कि देश भर में अपनी पहचान बना चुकी है, जिसके अलग अलग ब्रांचेज आपको पूरे देश में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब मैं पहली बार बेगूसराय में DPMI देखा तो मेरे मन में, मेरे जहन में एक प्रश्न उठा कि भैया ये कब से हो गया बेगूसराय में। और इसी कड़ी में हम लोग का आज DPMI का मुआयना करने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि DPMI में स्थिति क्या है। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, जब आप मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो DPMI के बारे में जब आप सुनेंगे तो बहुत बड़ी पहचान है। और इसीलिए आज हम DPMI बेगूसराय का मुआयना करते हैं कि क्या अलग है DPMI और सबों से। KV स्टूडियो से हैं और जब मैंने DPMI देखी, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में, जब DPMI एक ऐसी संस्था जो देश भर में नामचीन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका मुआयना करूँ, अगर आप आदेश दें। एकदम 100% आप मुआयना कीजिए। स्टूडेंट से मिलिए, यहाँ के लैब थ्योरी, मतलब जितने भी प्रकार के आपको मुआयने करने हैं एकदम आराम से करिए। मेरा एकदम 100% ये है। थैंक यू सर। क्लासरूम्स हैं जहाँ पर DPMI का क्लास चलता है, जो बच्चे मेडिकल्स की तैयारी करते हैं तो पूरे ड्रेसअप में हैं, जो मेडिकल की असली पढ़ाई होती है। तो सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नितिन सिन्हा है। अच्छा सर, जो ब्लड के बारे में आप लोग पढ़ाते हैं, ये आई थिंक मदर टिंचर जी, इसको हैंड पीपेट बोला जाता है। इससे बायोकेमिकल टेस्ट, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। और भी अभी आप कुछ देर पहले इम्यून हेमेटोलॉजी का कुछ पोर्शन चल रहा था, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग के बारे में मैं डील कर रहा था इन लोगों को, और कुछ थ्योरेटिकली बोर्ड पे भी मैं बता रहा था। अच्छा, सबसे ज़्यादा जरूरी मैंने जो चीज़ खास बात देखी यहाँ पर, स्लाइड रखा हुआ और थोड़ा आप प्रैक्टिकल करके बता रहे थे, तो बच्चों को इससे कितना फ़ायदा होता है? इससे बहुत फ़ायदा ही है, और आप आगे की जो जानकारी आप स्टूडेंट से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में मैं बता रहा था कि ब्लड ग्रुप कैसे आप किसी भी पर्सन का, किसी भी पेशेंट का, जब आप प्रोफेशनली जब आप प्रैक्टिस में उतरेंगे या वर्क करेंगे तो कैसे परफॉर्म किया करेंगे आप, क्योंकि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करके दिखाना था। तो खास बातें जो मैं सबसे पहले अंदर आया तो वो चीज़ें जो दिखी वो प्रैक्टिकल था, बोर्ड पर पढ़ाई हो ही रही थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा था ये बड़ी बात थी किसी भी बच्चों के लिए। जब आप पढ़ते हैं तो आपका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर आप मेडिकल पढ़ रहे हों या कोई भी टेक्निकल डिग्री ले रहे हों। तब यहाँ के कुछ बच्चों से जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि असली पढ़ाई होती कितनी अच्छी है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीषा कुमारी मीनू है, हम दरगाहपुर से आए हैं। अच्छा, एक बात पूछना था कि आप लोग की पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, जैसा नहीं सोचा था उससे भी अच्छी। ऐसे हम बाहर जाना चाह रहे थे तो पता चला यहाँ पे DPMI बहुत अच्छा पढ़ाया हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब सब चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे एडमिशन करवाए।
अच्छा, पैरामेडिकल करना चाहती हैं, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे थे आप, किस चीज़ के बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में जानकर समझा आपने आज? आज ओ पॉजिटिव निगेटिव ये सब बता रहे थे सर, जितना भी ब्लड ग्रुप के बारे में होता है वो सारी जानकारी। अच्छा, DPMI आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगा, जान के भी और पढ़ के भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? धीरज कुमार सिंह। हाँ धीरज, बुक लेके पढ़ रहे हो, क्या सब पढ़ रहे थे अभी? अभी सर ब्लड के बारे में बता रहे थे। अच्छा, DPMI कितने दिन पहले ज्वाइन किए हो? मैं सर एक महीना पहले ज्वाइन किया हूँ, और ये बेगूसराय का पहला इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत अच्छा सुविधा यहाँ मिलता है। अच्छा, DPMI पता है आपको दिल्ली में है, और आप बिहार में बेगूसराय में ये पढ़ते हैं, कितना अजूबा नहीं लगता है? ये सर उसका एक ब्रांच हुआ जो कि उससे कनेक्टेड है, हमारे लिए खुशी की बात है जो बिहार में ये सुविधा मिल रही है हम लोगों को। कहीं घर कहाँ है? मेरा घर सर बकरी हुआ पीर नगर गमरिया। गमरिया जी सर। तो पीर नगर गमरिया में बहुत बार गया हूँ, संयोग है, और अगर आप गमरिया जाइएगा, बिल्कुल गांव है, और गांव से अगर कोई बच्चा मेडिकल पढ़ना चाहता है तो फिर ये DPMI ज्वाइन कर सकता है, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम रानी कुमारी है। अच्छा बाबू, कहाँ घर है? यहीं बगल कहीं है। अच्छा, DPMI तुमसे कोई पूछे कि DPMI ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्या बोलोगी तुम? जी बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ही अच्छा कोर्स है, और यहाँ पे पढ़ के भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, डॉक्टर की ड्रेस में आती हो, ड्रेसअप करके आती हो क्लासरूम में, कितना अच्छा लगता है, मन में क्या चलते रहता है? बहुत अच्छा वाला फील होता है कि हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, डॉक्टर बनने का शौक था। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी। ज्योति, कहाँ से आती हो? बहनगामा से। अच्छा, एक बात बताओ, DPMI अलग क्यों है, तुम क्यों अलग इसको मानती हो? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हवा पढ़ाने में। अच्छा, टीचर क्लासरूम का माहौल कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। ये कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं DPMI में, क्या नाम है आपका? करीना कुमारी। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना, पैरामेडिकल कर रही हो, DPMI से कर रही हो, अपने आप में बड़ी संस्था है, जब आप भारत भ्रमण कीजिएगा तो DPMI का अपना नाम है, एक ब्रांड है। बेगूसराय में आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है कि बिहार में ये सब, खास करके बेगूसराय में कोई मौका मिला है कि यहाँ आके मैं पढ़। ऐसे लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली कि यहाँ इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर पढ़ सकूँ। सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, और यहाँ इंग्लिश भी सिखाते हैं, कंप्यूटर क्लास भी करवाते हैं, हर चीज़ का सुविधा है। अच्छा, इंग्लिश का स्पोकन कोर्स भी यहाँ पर होता है सर। अच्छा, इंग्लिश कितना ज़रूरी होता है आपके लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्टरी लाइन में, खास करके कोई भी, अगर आप किसी मतलब बड़े व्यक्ति से जाके मिलिए या किसी भी टीचर से, तो आप इंग्लिश बोलिए बिहार के होके, तो बहुत खुशी मिलती है कि हाँ आप मतलब अंग्रेजी है। ऐसे कहते हैं बिहार के लोग बहुत वो होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, उनको बोलने का ढंग नहीं होता, लैंग्वेज उनकी बहुत ख़राब होती है इसीलिए। अच्छा, जो बच्चे पैरामेडिकल करना चाहते हैं उनको क्या संदेश देंगी आप? कि ज़रूर करना चाहिए, और करना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि आप किसी और को मदद कर सके। ये लाइन बहुत अच्छा होता है, आप इसमें पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को खुशी, ज़िंदगी, सब चीज़ दे सकते हैं इससे, ज़रूर करना चाहिए ये सब। DPMI के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा है बहुत। अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नमिता कुमारी हुआ। DPMI से आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर रही हैं? जी सर, मेरा अभी न्यू एडमिशन है। अच्छा। मैं कल से ज्वाइन की हूँ। तो कल से ज्वाइन कर ली है, क्लास की आज कैसा लगा? ठीक करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहला आवर सबसे ज़रूरी हो जाता है, कभी भी आप पहला आवर बहुत ज़रूरी होता है। पहले घंटे में क्या सब समझे? जी सर, ब्लड समझ के आया, ऊपर से निकल गया। जी सर, थोड़ा बहुत समझे अभी, और फिर समझ रहे हैं, अभी क्लास सर ले ही रहे हैं। नए क्लास बच्चे के लिए शुरू में जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल डर थोड़ा लगता है, फर्स्ट डे का क्लास अपने आप में थोड़ा अजूबा होता है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? नीतीश कुमार। अच्छा नीतीश, क्या करते हो, कहाँ तक पढ़ाई करी है अभी तक? इंटर पास किए हैं, उसके बाद DPMI में नाम लिखा है, एडमिशन लिए हैं। ये बुक बहुत लोगों के हाथ में देखी, ये बुक प्रोवाइड किया जाता है यहीं से क्या? यहीं से प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, इसका कोई अलग चार्ज है या इसी में इंक्लूडेड है? उसी एडमिशन फी में ही इंक्लूड है। ड्रेस भी? हाँ ड्रेस भी, और वो स्टेथोस्कोप और एक ब्लड प्रेशर जाँच करने वाला है। वो सब अब आ गया है? हाँ अभी वो सब जांच करने नहीं आया है, अभी बताएंगे सर तो आ जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा?
अंकित कुमार। अच्छा, अंग्रेजी स्पोकन कोर्सेज होते हैं, क्या क्या पढ़े हो उसमें? अभी सर वर्ड मीनिंग याद कर रहे थे। याद होती है। अच्छा, पैरामेडिकल में और क्या क्या तुम यहाँ से बेनिफिट ले रहे हो DPMI से? बहुत बेनिफिट मिल रहा, हम थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है करने में। क्या नाम है तुम्हारा? बसंत कुमार। अच्छा बसंत, कहाँ तक पढ़े हो अभी? 12th साइंस से किए हुए हैं और ग्रेजुएशन में नाम लिखाए थे लेकिन वहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए हम लोग DAPIM ज्वाइन किए हैं। मेरा घर कटहरी हुआ है और टंडरी प्रखंड, और मैं आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बिल्कुल यही ड्रेस होता है साइंटिस्ट का, आज तक टीवी में तो यही देखा। यस सर। अच्छा, यहाँ आकर कैसा लगता है? बहुत बेहतर लगा सर। डिसीजन तुम्हारा अच्छा था या बुरा था? नहीं, मेरा डिसीजन सही था सर। सही था, DPMI ज्वाइन कर। यस सर। अच्छा, क्या क्या पढ़े हो अभी तक? अभी मेरा सेकंड क्लास है, कल फर्स्ट डे था और सेकंड डे है। अच्छा, तो एक दिन में साइंटिस्ट बनने का ख्वाब? नहीं, मेरा सपना ही 10th पास करने से ही मेरा बाद उसके बाद सपना आया था, तो मैं आज सेकंड डे में पढ़े हैं कि मतलब ए और बी और सी कैसे चेक करेंगे कि ये ए है और ये बी है और ये सी है या ओ पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बारे में जानने हैं। हम लोगों के साथ था यहाँ के एक शिक्षक, क्या पहले इन्हीं से जान लेता हूँ। सर क्या नाम है और कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मेरा नाम सर आस्तिक अंशुमाली है और मैं यहाँ पे इंग्लिश का टीच करता हूँ, प्रॉपरली ग्रामर और स्पोकन कम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने संस्था की ओर से और मैं अपने तरफ से आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे खुशी हुई इस इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे पिछले 10 साल से जान रहा हूँ, और ये जाकिर हुसैन संस्थान बेगूसराय, हमारे बेगूसराय में आज से नहीं बहुत ही पुरानी और वेल नोन एक इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, और आई थिंक 20 साल पहले की स्टोरी अगर जाने उस समय ये एक अलग जगह रहा था जिस समय हमारे इंडिया में कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी प्रचलन चली थी और हम हर एक व्यक्ति की एक नीड हो गई थी कंप्यूटर, और उस समय ये कंप्यूटर की शिक्षा इन्होंने बहुत ही ईजी वे में और सरल वे में प्रदान किया गया था, ना कि बड़े तबके पे बल्कि छोटे छोटे तबके के स्टूडेंट भी यहाँ आकर के और कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया, सीखा भी और बहुत जगह अपने आप लाइफ को सर्वाइव भी कर रहे हैं अच्छे ढंग से, अच्छे पोस्ट पे। अच्छा सर, इंग्लिश स्पोकन आप करवाते हैं, मेडिकल में इंग्लिश कितनी ज़रूरी है और आज के बच्चे में जनरल लाइफ में भी इंग्लिश कितनी ज़रूरी है? आज से अगर 10 साल पहले अगर आप जाते हैं सर, तो हमारे बिहार में इंग्लिश एक अभिशाप बना हुआ था। यहाँ के बच्चों के पास मैथ की एक भरपूर जानकारी हुआ करती थी, फिजिक्स का साइंस पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन जैसे ये बच्चे, हमारे बच्चे बिहार से बाहर जाते थे, उन्हें एक सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि एक दीवार खड़ा हो जाता था, उस दीवार को पार करने के लिए ऐसा लगता था कि नहीं, इसको हम पार नहीं कर सकते, एंड ओनली वो सिर्फ एक इंग्लिश होता था। हमारे स्टेट के जितने भी बच्चे थे, अगर हम पीछे जाते हैं तो हर एक क्वालिफाई एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई करते थे, लेकिन ड्यू टू इन वांट ऑफ इंग्लिश वो स्टैंड नहीं कर पाते थे अपने आप को। लेकिन इन कमिंग टाइम धीरे धीरे हमारे बिहार में भी इंग्लिश की एक अच्छी पकड़ और अच्छी सुधार देखने को मिला है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बेगूसराय में बहुत से ऐसे रिनाउंस टीचर हैं जो बच्चे को ग्राउंड रूट से सिखाते हैं। इंग्लिश को सीखना मुश्किल है बिल्कुल, क्योंकि भाषा को सीखना और भाषा को याद करना मुश्किल है कि नहीं? इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, इसको एक समझाया जाता है, बच्चे सिर्फ इंग्लिश से डर रहे हैं, जैसे मैथ है, मैथ से नहीं डरते हैं क्योंकि यहाँ उनको समुचित एक जानकारी मिल जाती है ग्रास रूट से, उसी तरह इंग्लिश की भी अगर ग्रास रूट से जानकारी दी जाए तो इंग्लिश तो एक सबसे ईजी और सरल सब्जेक्ट है, और हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स बेगूसराय में हैं जो इस ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात, DPMI आज तक हमने भी नाम सुना था पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, अपना पैरामेडिकल के क्षेत्र बड़ा नाम DPMI का रहा है, बेगूसराय के बच्चों में कितनी बड़ी चीज़ है DPMI? DPMI के बारे में हम पहले से भी जानते थे, जिस समय मैं दिल्ली में पढ़ रहा था
उस समय भी डी पी एम आई के बारे में जानते थे हम। लेकिन एक दिन बातचीत में ऐसे ही राय सर से मुलाकात हुई, हमारी जानकार जब मुलाकात इनसे बहुत दिनों से है, तो बातों बातों में पता चला कि नहीं, डी पी एम आई अगर बेगूसराय में आ जाए तो बेटर। हमें बहुत खुशी हुई कि सर क्यों ना पहल किया जाए इसके ऊपर। तो सर ने अपनी कोशिश की, पहल की, तो बाद में पता चला कि नहीं, डी पी आई हम लोगों को मिल गया है। जिस दिन ये पता चला था तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी खुशी हमें हुई थी, क्योंकि हमें पता है लास्ट 3 ईयर में एक मेडिकल सेक्शन में कितनी ज़रूरत थी हमें, और उस मतलब कि पेंडेमिक को संभालने के लिए हमारे मेडिकल टीम ही स्टैंड हुए थे, है कि नहीं। साथ में अवेयर करने के लिए आप मीडिया भाई, जितने भी मीडिया प्रभारी के लोग हैं, वो एक मेजर रोल को प्ले किए थे। तो डीपीएमआई का एक ऐसा हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो हमारे आसपास के, सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, आसपास के जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया को जाके अवेयर करना है। और ये पिछले लास्ट 20 ईयर से तो अवेयर हम लोग कर ही रहे हैं, जब जब ज़रूरत पड़ी एक न्यू प्लेटफॉर्म की, उस प्लेटफॉर्म के लिए जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट हमेशा तत्पर रहे, और इनके डायरेक्टर राजेश सर वो हमेशा ही जागरूक इंसान रहे हैं, इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं डीपीएमआई, हम लोग भी जब भी आप दिल्ली जाइएगा या कहीं भी आप अगर मेडिकल के क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं या जानकारी रखते हो, तो डीपीएमआई एक सुना नाम है और बहुत ही पहचान वाला नाम है। तो जिसने भी डीपीएमआई सुना बेगूसराय में, आप डीपीएमआई देखे, हम चौंक गए। जब मेरे जैसा आदमी डीपीएमआई देख के बेगूसराय में चौंक सकता है, तो बिल्कुल आपके लिए एक बड़ी चीज़ है कि डीपीएमआई अब बेगूसराय में आ गया है। और जहाँ तक क्लास के बच्चों से मिला हूँ, सर से मिला हूँ, अच्छा सर एक बात और कि डीपीएमआई में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, किस प्रोसेस के तहत ले सकते हैं? देखिए, डीपीएमआई एक मेडिकल रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, जो कि मेडिकल से रिलेटेड ही कोर्स को प्रेफर करवाती है। इसके लिए प्लस टू बायो से होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट रन हो रहे हैं हम लोग डीपीएमआई दिल्ली से। जो भी लीगल प्रोसीजर है, वो लीगल प्रोसीजर से ही यहाँ पे एडमिशन होता है, बाईपास यहाँ से वर्क नहीं होता है। जो भी बच्चे पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट डीपीएमआई को दिया जाता है बिल्कुल। जो लीगल ऑथराइजेशन पेपर है, उस पेपर के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। वो जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी सही ढंग से नहीं दी जाएगी, एक गुड न्यूज नहीं स्प्रेड हो सकता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी, जैसे इंक्वायरी कोई आता है, आप इंक्वायरी मेरे पास आ रहे हैं, तो जो इंक्वायरी के टाइम में आपको दिया जाएगा, वो इंक्वायरी आपके सामने क्लास में अवेलेबल रहेगा। हमारी कोशिश रहती है, हमारी इंस्टीट्यूशन की कोशिश रहती है, एक अच्छे से अच्छे टीचर को अवेलेबल करवाना, और उस टीचर के बारे में फीडबैक लेना। बच्चों से हम लोग फीडबैक लेते हैं, क्या ये टीचर से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, हमारी संस्था से संतुष्ट हैं कि नहीं है, हमारी संस्था जो आप जिस समय हमसे विजिट किया था, उस संस्था के बारे में जो जानकारी आपको मिली थी, वो जानकारी के ऊपर संस्था खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो देन वेरी वेल, अदरवाइज यू कैन क्लेम मी। इस प्रोसेस से हमारी संस्था में एडमिशन लिया जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप भी एडमिशन लेते हैं, तो बिल्कुल आपका ये राइट है कि आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जानें, समझें, एडमिशन लें, और अगर आपका राइट नहीं मिल रहा तो आप क्लेम करें। ये विश्वास है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति विश्वास है कि हम इस इंस्टीट्यूट पर भरोसा करें। ये अगर आप अंदर आइएगा, जब डीपीएमआई में बेगूसराय में जब अंदर आइएगा, तो आप प्रैक्टिकल रूम में, जहाँ पर प्रैक्टिकल किया जाता है, तो ये हड्डी का ढांचा है, बिल्कुल बॉडी का, जो हम लोग स्केलेटन आज तक क्लास में पढ़ा करते थे पहले, तो वो स्केलेटन है, आप कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद जो भी लैब का प्रोसीजर है, जो भी टेस्ट ट्यूब हो या जो भी चीज़ें हों, सबका अलग अलग नाम होता है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ बच्चे जो कि यहाँ पर लैब कर भी रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो लैब में कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें जो एक पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को करनी चाहिए थी, वो डीपीएमआई प्रोवाइड करा रहा है। ये विश्वास है, ये भरोसा है डीपीएमआई का कि वो तमाम चीज़ें जो बोली जाती है वो करवाई भी जा रही है। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सभी बच्चों के लिए है, अगर आप कभी भी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार आ जाइए और सीख सकते हैं यहाँ। हाँ सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको डीपीएमआई बेगूसराय में, पहली इंस्टीट्यूट मुझे लग रहा है डीपीएमआई का है,
तो आपने घूमने का मौका प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया। पहले तो आपके पूरे टीम का धन्यवाद कि अभी तक कोई मीडिया वाली अभी तक नहीं आए, और बहुत ही दिल से धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पे। अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग जब मेरी संस्था के बारे में ये प्रशंसा करें तो उन लोगों के बारे में बहुत अच्छा कहने को अच्छा लगता है कि आप लोग आए। और आगे विशेष आपने देखा ही होगा यहाँ पे लैब थ्योरी। पहले हम लोगों की संस्थान जो है जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट जो है 2016 में हम लोगों ने यहाँ पे जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट का नींव रखा था बेगूसराय ब्रांच में, और उस समय से निरंतर जो है कंप्यूटर क्लासेज, मैनेजमेंट, लाइब्रेरियन, तरह तरह के कोर्सेज जो है हम लोगों ने यहाँ पे करवाए। अब दौर बदल गया है, अब लोगों की सोच, लोगों की ज़रूरत और लोगों की इच्छाएं बदल गई है। अब जब से ये जो कोरोना का जो ये प्रकोप पूरे भारत ने देखा, तो क्या है कि जॉब के स्किल भी बदल गए। जॉब का जो है स्टूडेंट का सोच छोड़िए, जॉब जिस क्षेत्र में होना चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल क्षेत्र में हमने देखा कि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और हम लोग अक्सर हॉस्पिटल जाते हैं, अक्सर कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि भाई कोई कम सीखा हुआ, कोई जानता नहीं है, फिर भी 6 महीना काम करके वो काम कर रहा है, उससे कुछ गलती हो जाती है, कोई पेशेंट के साथ कुछ गलत हो जाता है। तो ये चीज़ बदलना चाहिए। और हमारे बेगूसराय में पता है आपको कि पटना के बाद मोटा मोटी बेगूसराय का सेकेंड स्थान है मेडिकल क्षेत्र में। और हम लोगों के यहाँ पैरामेडिकल का जो एजुकेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी नहीं जानते कि पैरामेडिकल होता क्या है, हम लोग बच्चों को बताते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फील्ड का स्कोप है मेडिकल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। और हम लोगों ने देखा भैया जब स्टूडेंट को प्लेसमेंट चाहिए, स्टूडेंट को जॉब चाहिए, तो क्यों ना मेडिकल क्षेत्र का एजुकेशन दिया जाए। तो हम लोगों ने भी देखा कि भाई चलो कंप्यूटर फील्ड थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस फील्ड में ये करें। तो हमने सोचा भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो DPMI इंडिया की सबसे पुरानी पैरामेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि विगत 25 वर्षों से ऑल ओवर इंडिया में कई सारे ब्रांचेज इसके हैं जो कि चलाए जा रहे हैं। तो हमने इसे बहुत सारा ये कोशिश किया कि भाई DPMI जैसा बड़ा ब्रांड आना चाहिए। शुरू में तो DPMI ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि नहीं, बेगूसराय जैसे छोटे शहर में हम नहीं देंगे। लेकिन फिर हम लोगों की संस्था का इंस्पेक्शन किया, फिर हमारी इंटरव्यू हुई, तो फिर उसने देखा कि नहीं भाई इस फील्ड को ज़रूरत है। हमने बोला देखो अच्छा ब्रांड आ जाएगा तो मेरे बच्चों का, देखिए पढ़ाते सब हैं लेकिन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जब स्टूडेंट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट लेके जब जाता है जॉब के लिए, तो वहाँ पे एक उसका एक अलग रिस्पॉन्स मिलता है। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए मैंने DPMI जैसे नेशनल कह सकते हैं इंटरनेशनल एक ब्रांड को हमने लाया कि भाई सिखाना तो सबको वही है, लैब वही है, थ्योरी वही है, सब चीज़ वही है, लेकिन कुछ अच्छा हो जो कि स्टूडेंट कहीं इंटरव्यू देने जाए तो वहाँ पे उसे ऐसा नहीं हो कि मैं किसी छोटे मोटे संस्थान से। DPMI एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और खासकर अगर आप मेडिकल क्षेत्र के हैं तो DPMI का नाम सभी लोग जानते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो मेडिकल क्षेत्र के। और आप लोगों ने भी देखा ही होगा बहुत सारे इसके बारे में आपने देखा होगा। और ये है, ये तो हो गया DPMI का क्लासेज। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई बेगूसराय में कुछ अलग दिया जाए। पैरामेडिकल सब कराते हैं, कंप्यूटर भी सब कराते हैं, सारे लोग सब चीज़ करवाते हैं, तो हम क्यों ना कुछ अलग दें। तो पहले मैंने देखा कि भाई बच्चों के, यहाँ के बच्चों की फ़ीस की समस्या है। यहाँ पे आपके बिहार में जो है पैरामेडिकल का कोर्स मोटा मोटी 1-1.5 लाख रुपया के लगभग में खर्च है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई तो बच्चे को ज़्यादा पड़ जाएगा, तो कुछ क्या किया जाए। तो हमने कहा कि चलो नहीं, अपना कुछ नहीं होता, पहले मेरा बच्चा पैरामेडिकल को समझे। क्यों हम 1-2 साल फी कम ही लेंगे, हम नहीं कमाएंगे, ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग जाने इस नए कैरियर को। तो कोविड के बाद हमने देखा कि हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिल रहे थे, मिल नहीं रहा था, लोग भाग रहा था। उस समय देखा हमने कि मेडिकल क्षेत्र के कर्मचारी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। तो इसी पर हमने अभी फ़ी का सबसे बड़ा ये कर दिया कि अभी 30% से 40% हमने माइनस कर दिया कि चलो हमें बस बच्चों को बताना है कि चलो भाई ये एक एजुकेशन है, जिस एजुकेशन से तुम मेडिकल क्षेत्र में कुछ कर सकते हो। ठीक है, तुम डॉक्टर नहीं बन पाए लेकिन डॉक्टर की रीड बन सकते हो। डॉक्टर सिर्फ दवाई लिखता है लेकिन बीमारी की अगर खोज खबर, उसका पूरा रिसर्च, उसका जाँच वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन ही करता है। और अगर सपोज कीजिए आप किसी का खून जांच करते हैं, उसको TB है, आपने उसको बता दिया मलेरिया, तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो तो देखेंगे आपका रिपोर्ट, मलेरिया का दवाई लिख देंगे, पता चलेगा पेशेंट 2 दिन में मर गया। तो हम लोग का आगे स्कोप है कि गांव घर के बच्चों को ज़्यादा हम लोग मोटिवेट करें। और हमारे पास ज़्यादातर बच्चे गाँव के ही हैं, क्योंकि फ़ीस का अगर तुलना किया गया तो फ़ीस काफ़ी कम हम लोगों ने कर दिया, 30-40 हज़ार स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का बच गया। और क्या, ये तो पहला हो गया फ़ीस का।
दूसरा हमने देखा कि भाई हमारे बच्चे आते रहे पढ़ने के लिए, लेकिन उसको सबसे बड़ा बात है कि अंग्रेजी उसको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, सब कमज़ोर हैं अंग्रेजी में कुछ। तो हम लोगों ने सोचा नहीं अब चलो इसको अंग्रेजी भी देना है, तो हम लोगों ने क्या किया पैरामेडिकल में इंग्लिश स्पोकन भी जोड़ दिया। और जो बेगूसराय के सबसे अच्छे मतलब इंग्लिश स्पोकन के आस्तिक अनुसूचर जाने माने हस्ती, तो उनको मैंने कहा कि नहीं भाई मेरे यहाँ आप समय दीजिए और मेरे बच्चों को अंग्रेजी ये कीजिए। फिर हमने देखा कि भाई ये बच्चा जाएगा हॉस्पिटल में काम करने के लिए या किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, अब कंप्यूटर तो इसको आता ही नहीं सबको, तो कंप्यूटर मेरा बच्चा कहीं जाएगा सीखने के लिए उसे 5-6 हज़ार ले लेगा, जब मेरे पास है ही कंप्यूटर तो हम इसको क्यों ना सिखाएं। तो हमने पारा मेडिकल कोर्स में स्टूडेंट पे कोई बर्डन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ बोला है कोर्स फी आप दो, आपका ड्रेस, आपका मेडिकल टूल्स, आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है, आपकी जितनी भी मतलब ये एजुकेशनल चाहे इंग्लिश स्पोकन कंप्यूटर क्लासेज पारा मेडिकल के लैब इक्विपमेंट सब चीज़ हम लोगों ने देना शुरू किया है। और देना क्या शुरू किया, देता रहूँगा। जाकिर हुसैन का इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोग कितनी सारी संस्थान आई बेगूसराय में गई, विगत अप्रॉक्सली 20 साल से हम लोगों ने बेगूसराय में एक कुछ नहीं बना पाया अलग बात है, लेकिन एक शिक्षा के क्षेत्र में हमने हमेशा जो है पहचान बनाया और अच्छा ही दिया हम लोगों ने। तो आशा करता हूँ कि यहाँ के लोग पैरामेडिकल कोर्स को समझेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है मतलब अट्रैक्ट होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम 100 में 100 लोगों को प्लेसमेंट देने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जानते हैं सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, हमारी ज़रूरत यह नहीं है, हमारी ज़रूरत यह है कि मेरा बच्चा सीख कर कहीं प्लेसमेंट ले ले। और हमें नहीं लगता है कि मतलब मेडिकल छोड़ के कोई और क्षेत्र होगा जिसमें इतना जल्दी प्लेसमेंट होगा। हमारे गांव घर में आपने देखा होगा कि 2-4 महीना जो है लोग सुई या पानी चढ़ाने आता है तो वो किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में जाके 10-15 महीना कमा रहा है। हमारा बच्चा तो बजाबते उसका कोर्स कर रहा है, उसकी पूरी अध्ययन कर रहा है, पूरा डीपली नॉलेज ले रहा है, तो हमारा बच्चा बेरोजगार कैसे रह सकता है। और गांव में भी आप फर्स्ट एड का जी नहीं, तो हम लोगों ने एक चीज़ और किया है ना कि हम लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ कंप्यूटर मैनेजमेंट लाइब्रेरी किसी भी कोर्स में एडमिशन बच्चे लेते हैं तो फर्स्ट एड का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, मतलब पैरामेडिकल वाले को कंप्यूटर फ्री, कंप्यूटर वाले को फर्स्ट एड कोर्स फ्री, जिससे कि हमारा समाज ऐसा नहीं हो कि पेट में दर्द हुआ जाके गए मेडिसिन दुकान पे बोला भैया एक दवाई दे दो, दवाई खा ली रात में मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जाने इस रोग को कि बाएं साइड दर्द हो रहा है तो क्या होना चाहिए, बाएं साइड दाएं साइड है तो क्या होना चाहिए, अगर हमें उल्टी आ रही है तो क्या होनी चाहिए, तो ये सब जानकारी है। किसी को हार्ट अटैक आ गया हमारे समाज में तो हमारे मतलब लोग सब क्या करते हैं, अरे बा चलो एम्बुलेंस करो ये करो, लेकिन उस समय जो एक फर्स्ट स्टेज में जो चाहिए उसे ट्रीटमेंट कैसे क्या दे, उसका कैसे पंपिंग करे, कैसे उसका, तो ये सब सारे नॉलेज रहेंगे बच्चे के पास तो वही बच्चा अपने समाज में जाके कहीं ना कहीं बेहतर मेडिकल सेवा प्रदान करेगा। हाँ सर, DPMI में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर है और आप से किस तरीके से कांटेक्ट करें? नहीं, उसमें DPMI में जो है हम लोग के यहाँ तो डायरेक्ट खुला हुआ है, अपना आएंगे यहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म है। दूसरी बात है कि DPMI में हम लोग को काफ़ी कम सीट इस बार दिया गया क्योंकि फर्स्ट ईयर है, हम लोग को मात्र 52 सीट दी गई है मेडिकल क्षेत्र में, और उसके लिए स्टूडेंट 10+2 साइंस से होना चाहिए तो वो एक अच्छा कोर्स उसको मिल जाता है। आर्ट वाले भी स्टूडेंट ले सकते हैं जैसे ड्रेसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऐसे बहुत सारे कोर्स है जैसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, GDA का कोर्स, वो सब आर्ट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस वाले अगर आते हैं तो उनको 2 ईयर का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जो कि डिप्लोमा का कोर्स होता है जिसे DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, DOTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो भी है, फिर एक्सरे ECG टेक्नीशियन, ये सब 2-4 कोर्स है जो 2 साल का है और सब 1 साल के भी कोर्स है। और हमें लगता है कि मेडिकल के कोर्स को चाहे वो साल भर का कोर्स करे या 2 साल का कोर्स करे वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। बच्चा बस सीखने वाला, और सीखने वाला भी छोड़ दीजिए, काम करने की उत्साह होनी चाहिए। यहाँ जब आप खुद सोचिए कि जब जिसके पास कोई नॉलेज नहीं 6 महीना 5 महीना किसी डॉक्टर के यहाँ रह के सुई तुई देना सीख जाता है वो तो महीने का 10,000 कमा रहा है, हमारा बच्चा तो 2 साल लगातार मेहनत कर रहा है, पूरा मैंने लैब का पूरा व्यवस्था कर दिया है, थ्योरी का व्यवस्था कर दिया है, इंग्लिश स्पोकन, अब बच्चों को क्या चाहिए? जब मैं शिक्षित कर रहा हूँ, सारे बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे रहा हूँ तो बच्चे क्यों नहीं जॉब करेंगे? आशा है कि 100 में 100 आप 1 साल बाद फिर मिलेंगे, हम आपको दिखाएंगे 100 में 100 हम आपको प्लेसमेंट दिखाएंगे। कैसे बेरोजगार रहेगा, रह ही नहीं सकता है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस दौर में क्या करना चाहिए। अब आपके पूर्वज थे वो पहले क्या था ना कि मैट्रिक करते थे फिर कलर की नौकरी लग जाती थी, अभी आप मैट्रिक करके जाइए कलर का फॉर्म नहीं भर सकते, उसके लिए 10+2 चाहिए। तो दौर के अनुसार पढ़ाई का तरीका भी बदलना चाहिए,
अब कहाँ हम लेके पुराने सोच लेके चल रहे हैं, सब कोई इंजीनियरिंग करेंगे, बीटेक करेंगे करेंगे। अरे अगर आपका मेडिकल क्षेत्र में रुझान है तो आप कीजिए, इसमें भी बहुत अच्छा फील्ड है, और ख़ासकर हमारे बेगूसराय में, पटना के बाद बेगूसराय का स्थान है। आज देखिए कोरोना के बाद या पहले कितने सारे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आ गए, हार्ट हॉस्पिटल, चाहे वो रंजन कुमार चौधरी जी का लीजिए, अच्छा हार्ट हॉस्पिटल है उनका, फिर उसके बाद अशोक मतलब शर्मा जी का मतलब क्लिनिक देखिए, जो बेगूसराय ने पूरे बिहार में फेमस है कि ये जो है स्पेशलिस्ट हैं, मतलब किसी को भी गोली लगती है या ऑपरेशन के लिए, ऐसा ऐसा ग्लोकल है, एलेक्सिया है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, धीति जीवन है, तो आ रहे हैं, तो अब उसको चाहिए ना जॉब करने के लिए बच्चा, तो क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, तो हम लोग हैं, हम लोग अच्छा शिक्षा देंगे। और हम तमाम हॉस्पिटल वाले सबको भी कहना चाहते हैं, सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि आप DPMI पे भरोसा रखिए, DPMI आपको एक बेहतर से बेहतर स्टूडेंट देगा। आपको जब भी कभी किसी स्टाफ की ज़रूरत हो, किसी एक मेडिकल टेक्नीशियन की ज़रूरत हो, एक्सरे टेक्नीशियन की ज़रूरत हो, एक बार DPMI के नंबर पर ज़रूर कॉल करें, हम आपको बेहतर से बेहतर स्टाफ, बेहतर से बेहतर टेक्नीशियन और बेहतर से अनुशासित लड़के, फुल्ली इंग्लिश, हमारे यहाँ 1 तारीख से एक रूल बन रहा है, कोई भी बच्चा हिंदी में बात नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डरना मना है, सबको हिंदी मना कर दिया गया है, इंग्लिश स्पोकन। हम जो खर्च करेंगे बच्चों के लिए क्यों करेंगे, मैंने तो आपका पारा मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया था, मैं आपको इंग्लिश स्पोकन क्यों सिखाऊँ, इसलिए सिखाऊँगा क्योंकि तुम मेरे स्कूल में, मेरे इंस्टीट्यूट में इंग्लिश में बोलोगे, डरोगे नहीं, डरना मना है। और तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पैरामेडिकल के साथ साथ आप स्पोकन कर सकते हैं, लैब कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, तो ये सब सुविधा DPMI बेगूसराय में उपलब्ध है, जो कि सर एक बार हम चाहते हैं कि बच्चों तक पता आप खुद बता दें कि किस तरीके से अब तक पहुंचा जाए। देखिए DPMI का सिंपल पता है, जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट जान रहे हैं, अगर चलिए जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट को नहीं भी जान रहे हैं, वी मार्ट मॉल सब जान रहे हैं, कचहरी रोड वी मार्ट मॉल के जस्ट एक मकान पहले, यानी नियर ऑफ वी मार्ट मॉल, कचहरी रोड बेगूसराय, बस यही मेरा पता है। और जो भी लोग DPMI करना चाहते हैं सर, उसके लिए एक छोटा सा संदेश आप अपने तरफ से। संदेश बस इतना ही है कि DPMI पे एक बार भरोसा कीजिए, आपने कई जगह पैरामेडिकल का कोर्स किया होगा, लेकिन एक होता है ना चौतरफा एजुकेशन, आपके पैरामेडिकल कोर्स के की गारंटी मेरी, आपके अंग्रेजी भाषा में जो आ रही दिक्कतें इंग्लिश स्पोकन वो मेरी, कंप्यूटर कोर्सेज की जानकारी मेरी। और बहुत सारे बच्चे यह भी सोचते हैं कि हम बेगूसराय जैसे छोटे शहर में क्यों करें, करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के टीचर भी ऑनलाइन क्लास हमारे ब्रांच में लेते हैं, हमारे यहाँ जो थ्योरी क्लासेज है वो दिल्ली में जो क्लास चलता है वहाँ से ऑनलाइन क्लास जोड़ के हर एक सप्ताह के 3 दिन ऑनलाइन क्लासेज चलती है, यानी आपको दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाजाबते स्टूडेंट जो भी हमारे यहाँ एडमिशन लेता है वो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से हर एक क्लासेज का वीडियो भी डे टू डे उनको अपडेट किया जाता है, यानी दिल्ली जाना भी नहीं है, अपने शहर में रहना है और अपने शहर में कम खर्च में एक बड़ा हायर एजुकेशन प्राप्त करना है। तो अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, DPMI में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए, भरोसा कीजिए, और कहते हैं कि भरोसा अगर आपका अच्छा हो तो कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप एक साल पढ़कर देखें, DPMI जहाँ तक हमने सुना है लगभग 20-30 वर्षों से, अब कब से बना था वो नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं 6-7 सालों से DPMI को जान रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब दिल्ली का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बेगूसराय जैसे छोटे शहर में आकर अपना काम करती है, बच्चों को निखारती है, आगे बढ़ाती है। और फिर अगले वर्ष मिलेंगे, कुछ दिनों के बाद मिलेंगे, और 100% प्लेसमेंट जिस दिन सभी बच्चों का हो जाएगा हम उस दिन फिर मिलेंगे। मैं कविनलेस, कैमरामैन विकास के साथ।